हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज दिन का टाइम हो गया और टिंटिल तो गया है मार्केट कुछ सामान लेने के लिए और चीकू गया है स्कूल। और आज मैं बनाऊंगी बाड़ी। मुझे ऐसी याद आ गया, मौसम बढ़िया हो रखा था, चूना पड़ा हुआ है, तो मैंने सोचा आज बाड़ी बनाती हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी पसंद है। दादी को बहुत अच्छा लगता था बाड़ी खाना क्योंकि उसमें चबाने की ज़रूरत नहीं होती थी और एकदम ऐसे घुट देते थे, तो उनको अच्छा लगता था और उनके साथ फिर मैं भी खाती थी, तो मुझे काफ़ी मतलब टेस्टी लगता है। तो आज मैं भी बनाऊंगी बाड़ी। तो चलो चलते हैं किचन की तरफ और बनाते हैं आज गढ़वाली डिश बाड़ी। और उसको लोग चैसुण में खाना पसंद करते हैं, पर मुझे दाल में पसंद है उसको खाना। दाल पतली पतली होनी चाहिए, मिक्स दाल बना दूंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं। इसमें दाल बन गई है प्रेशर कुकर में एक साइड, इसमें बनाऊंगी मैं बाड़ी। और ये है चूना, चूना मैंने एक कटोरी ले ली है जिससे मैं बाड़ी बनाऊंगी। चूने की रोटी भी बनती है हमारे वहाँ पे, तो मैं रोटी मुझे पसंद नहीं है, मुझे पसंद है बाड़ी और दाल के साथ खाएंगे। तो तैयारी शुरू कर दिया मैंने, कढ़ाई चढ़ा दी है मैंने लोहे की और सबसे पहले इसमें घी डालूंगी। और जब मेरी दादी बनाती थी तो तब घी नहीं डालती थी, वो वैसे ही बनाती थी, पर मैं घी डाल के बनाना चाहती हूँ क्योंकि इसका थोड़ा टेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाएगा। और पानी मैंने कर दिया है और ये ले लिया एक कटोरी चूना। चूने को मंडवा भी बोलते हैं पर हमारे गढ़वाल में तो चूना ही बोलते हैं हम। तो चलो डालती हूँ और सबसे पहले इसको भूनूंगी हल्का सा। तो हल्का भूनने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालते रहेंगे, एक साथ मत डालना नहीं तो उसकी गांठें बन जाएंगी। तो हल्का हल्का करके आप इसको चलाते रहें, तो आप करछी को चलाते रहें और हल्का हल्का जितना ज़रूरत हो उतना पानी डालते रहें क्योंकि हमें इसको पतला नहीं करना है, इसको हमने गाढ़ा बनाना है। तो इसको चलाने में काफ़ी मेहनत लगती है और आँच भी कम कर दें साथ के साथ और इसको चलाते रहें। और इसमें हाथ भी दर्द हो जाते हैं कि इतना चलाना पड़ता है इसमें। चाहो तो तुम अब भी डाल सकते हो इसमें घी, पर मैंने स्टार्टिंग में ही डाल दिया। तो ये बन गया है कुछ इस तरह से। इसमें कुछ नहीं डालती मैं, नमक वगैरह कुछ नहीं डालती, मुझे सिंपल अच्छा लगता है। और दाल या चैसुण खा सकते हो तुम इसके साथ, मुझे वैसे दाल पसंद है इसके साथ। और ये बन गया है कुछ इस तरह। बंद कर देती हूँ मैं गैस को। तो ये बन गई है बाड़ी, फर्स्ट टाइम बनाई मैंने अपने हाथों से और इसको गरम गरम खाना ही अच्छा लगता है। इसमें डालूंगी मैं दाल और मुझे भूख भी लग रही है। दाल बनाई है मैंने पतली पतली। तो ये है बाड़ी और ये है मेरी दाल। तो खाएंगे इसको मजेदार और दिखाती हूँ मैं कैसे खाते हैं इसको। और मैं खा रही हूँ बाड़ी और दाल, तो इसको ऐसे खाते हैं। और इसको चबाते नहीं, इसको घूर जाते हैं, ऐसे खाने में बहुत टेस्टी होता है। बहुत आनंद आ रहा है। तो मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में खाना खा के। तो अभी जा रहे हैं हम, टिंटिन और सक्षम और मैं जा रहे हैं हम रामफल चौक DIY में। तो वहाँ पे कुछ सामान वामान देखूंगी मैं, मतलब घर के लिए कुछ अगर कुछ पसंद आ जाता है। और चीकू रहेगा घर पे क्योंकि वो अभी अभी आए स्कूल से, तो वो नहीं आना चाहता है। तो हम जा रहे हैं तीनों की तीनों, तो चलेंगे थोड़ी देर में और दिखाएंगे फिर DIY में। तो चलो ई रिक्शा में ही जाएंगे यहाँ से। तो टिंटिन भी हो गया तैयार और हम भी हो गए तैयार। बैठ गए हम रिक्शे में और मैटर में। तो एंट्री कर गए हम DIY में और यहाँ पे घर का टोटली ज़्यादातर घर का DIY वाला सामान होता है,
तो आप यहाँ आओगे तो आपको सारी ज़रूरत की चीज़ें मिल जाएंगी। मैं भी देख रही हूँ और आप भी देखिए साथ के साथ। ये तो सुंदर लग रहा है, ये थोड़ा प्लेन में भी मिलता है। तो यहाँ पे आपको किचन से रिलेटेड भी काफी सामान मिल जाएगा। ये तो है मेरे पास। ये है सब्जी वाले, फ्रूट वाले बैग। तो दोस्तों आ गए हम अभी और सामान दिखाती हूँ अभी थोड़ी देर बाद आपको। थोड़ी देर पहले पानी वानी पी लिए, हाथ मुंह तो धो लिए, कपड़े भी चेंज कर लिए और बाहर बहुत ज्यादा धूप हो रखी है तो गर्मी से हम हो गए हलाल। तो टाइम से ही आ गए। कितने बजे गए होंगे? एक बजे गए थे, एक बजे निकले थे और अब 3 बजने वाले हैं। तो टाइम से आ गए और सक्षम तो अपने वहीं उतर गया था और वहीं से अपने घर चला गया। तो थोड़ी देर में दिखाती हूँ आपको, थोड़ा सांस ले लूं फिर उसके बाद सामान दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया है DIY। खाना वाना खा लिया मैंने और मैं अब सामान दिखा रही हूँ कि क्या लाए हम DIY से। तो सबसे लाए हैं हम पहले चाकू लाए हैं। सबसे पहले तो ये दिखाती हूँ, ये लाई हूँ और ये लाई हूँ मैं तरबूज वगैरह काटने के लिए। जो बड़ा चाकू है मेरे पास, पर मेरे पास ऐसे नोक वाला चाकू नहीं है, ऐसे तरबूज काटने के लिए आजकल जरूरत पड़ जाती है तो याद करती हूँ। फिर मैं जब तरबूज काटने का टाइम आता है तो याद आता है बड़ा चाकू, तो ये लेके आई हूँ। और ये पड़ा है करीब मुझे 135 का, तो देखिए बड़ा शार्प है। और दांत वाला नहीं लाई मैं क्योंकि फिर वो अगर हमने शार्प करवाने होंगे ना, मतलब हमने अगर ये तेज करना है तो उसमें फिर वो दांत वाले खराब हो जाते हैं, तो ये वाला लाई मैं। सेकेंड है ये बर्तन धोने के लिए मैं ये लाई हूँ स्पंज। और ये थे 4, ये करीब पड़े हैं 61 रुपीज के, तो ये 4 है, अलग अलग कलर के हैं और येलो कलर का मैंने यूज कर लिया। तो यही घर की छोटी मोटी चीजें लाई हूँ मैं जो जरूरत पड़ती रहती है। ये और एक लाई हूँ ये टाइल्स वगैरह साफ करने के लिए, फर्श वगैरह साफ करने के लिए, तो इसकी जरूरत थी मुझे। ये है 49 रुपीज का, ये हार्ड है बिल्कुल।
तो इससे अच्छे से साफ हो सकता है। जब करूंगी तो मैं दिखाऊंगी आपको, देखिए। और पंखा नहीं चलाए क्योंकि शोर होता है, आवाज आती है। और लाई हूँ ये छटनी। जब मैं बनाती हूँ इमली की चटनी या कुछ बनाती हूँ ना, मतलब जो छानने का काम करता है, तो मेरे पास पहले छन्नी थी तो वो खराब हुई थी, वो मैंने फेंक दी थी। तो मुझे काफी टाइम से जरूरत पड़ रही थी, मतलब जब भी मैं बनाती थी तो मुझे छन्नी की याद आती थी। तो ये ऐसी, इस बार मैं ऐसी हुक वाली लाई हूँ, ऐसे लटक जाएगी और ये स्टैंड करके तुम इसमें वो कर सकते हो। ये है 134 का, तो करीब मेरे हाथ से काफी बड़ा है ये। और ये हुक लाई हूँ जो मतलब घर में काफी यूज हो जाते हैं, जगह जगह यूज हो जाते हैं, बाथरूम, किचन, अलमीरा में, कहीं पे भी इनको हुक कर सकते हो। ये चिपकाने वाले हैं, 84 रुपीज के पड़े हैं ये 24, और काफी छोटे मतलब ठीक है, मीडियम साइज है ये। इनको मैं रखे रहती हूँ, कभी भी कहीं भी यूज हो जाते हैं, मतलब इनको कुछ भी लटकाने के लिए, कुछ भी टांगने के लिए यूज कर सकते हो। तो देखूंगी मैं जब चिपकाऊंगी तो दिखाऊंगी कितने तक मतलब वेट ले सकते। और लाई हूँ ये बड़े वाले हुक कंबल वगैरह के लिए। तो हुक लाई हूँ, काफी बड़े वाले हुक है ये। तो जैसे कंबल वगैरह टांगने होते हैं, सुखाने होते हैं, कंफर्टर होता है तो सुखाने होते हैं, या फिर मैट वगैरह, तो उसके लिए बड़े वाले हुक है ये, देखिए। तो काफी टाइम से मुझे इनकी तलाश थी, तो वहां दिखे तो मैंने ले लिए। ये है 99 रुपीज के, मतलब 100 के ही लगा लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये है 8 पीस हुक के। और ये लाई हूं मैं टॉयलेट ब्रश, क्योंकि जो वो वाले ब्रश होते हैं, जो ब्रिसल वाले होते हैं ना, उससे मुंह पे भी छींटे आते हैं कभी कभी, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं इस बार ऐसा ब्रश छांट के लाई हूँ जिससे एटलीस्ट मुंह पे तो छींटे ना आए जब आप टॉयलेट वगैरह साफ करते हो। तो इसमें हुक भी दे रखे है चिपकाने के लिए, ये हुक भी दे रखे है कि आप इसको हैंग कर सकते हो। तो ये है ऐसा ब्रश, और ये काफी फ्लेक्सिबल है, काफी। और ये इसका बॉक्स है, और इसको आप कहीं पे भी हैंग कर सकते हो। इसके साथ ये दिए, ये 129 का है। तो बस दोस्तों, इतनी सी शॉपिंग थी मेरी, छोटी सी शॉपिंग। और लेने तो मैं और कुछ भी गई थी, पर वो शायद DIY जो है वो थोड़ा कम सामान रखने लग गया है। इतना ही सामान मिला, किचन से रिलेटेड मैंने और भी सामान लेना था, पर मुझे वहां पे दिखा नहीं कुछ सामान, तो यही जो छोटा मोटा मुझे घरेलू चीजें दिखी वो ले आई। तो दोस्तों, यहीं तक थी मेरी शॉपिंग DIY की, और वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलना दोस्तों। फिर मिलती हूँ, और अपना ध्यान रखिए। बाय दोस्तों।